हेलो जी। तो आज की वीडियो का सीन ये है कि अभी मैं सोया उठा हूँ और घर कोई नहीं है, सुबह सुबह नाश्ता लेने जाना है और क्या उसे कहते हैं, फिर मैंने आज जाना है एक अदद शादी में, तो चलते हैं, बाकी सारी बातें रास्ते में करते हैं। फिर मैंने जाना है जुबैर की शादी में, तो नाश्ता ला के घर हैं अब्बा जी और अब्बा जी को नाश्ता देना है, तो बस फिर निकल जाना है जल्दी जल्दी कपड़े पहन के ना, क्योंकि मेरे ख्याल से 9:30 बजे पहुंचना है दोस्त की तरफ और उसके बाद फिर जाना है आगे, पता नहीं किधर जाना था, रास्ते में बता देंगे। तो यार नाश्ता वगैरह मैं ले आया था और मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था और फिर मैं घर आकर रेडी होने लग गया। तो यार ये जूती जो है वो उधर जाके पहनेंगे, सफ़र थोड़ा लंबा है, मज़ा नहीं आता ऐसे। अब ओके हो गया और बस कोट भी रख लिया अंदर और बस चले आप जी। क्या गंद शंद पड़ा है, गाड़ी साफ की थी, इसको पीछे फेंक देते हैं और बस चलें। अभी इधर से चप्पल पहन जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं टाटा। पहले मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, 10 बजे पहुँचना था, 10:15 इधर ही हो गया मुझे, और बाकी पहुँचते हैं फिर यार बाकी सारी बातें करते हैं। चीज़ें मैंने रख ली हैं पूरी कर रहा हूँ, वॉलेट रख ली है, फ़ोन रख ली है, चार्जर भी उसका रख ली है, ग्लासेस रख ली, जो ऊपर कोट पहनना है वो भी रख ली है, सारा कुछ ही रख लिया यार। चलो अल्लाह ख्याल करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और ज़रूरी चीज़ ये भी रख ली है, तो सारा कुछ ही अल्लाह करे। जैसे मैं किनार रोड पे पहुंचा, मैंने सबसे पहले ऐनक निकाल के लगाई क्योंकि मैंने कहा ज़रा शोक ही मार लेते हैं, साथ वीडियो बना लेते हैं, और मैं सोच रहा था कि मैं लेट हो गया, लेकिन मैं जैसे ही उधर पहुंचा हूँ उधर अभी कोई रेडी नहीं था और मैं ही पहले पहुंच गया था सबसे। राणा हनुमान अफजल साहब देख लो, मैं टाइम तक पहुँच गया तो तुम गेड़े करा रहे हो, है मैनू उदो आते हो भाई 10:30 बजे जाना है, 10:30 बजे इतने हूँ 11 बजे वाले वो चले नहीं, यार मर्जी है बाबे तेरी, वेख ला यार तू फिर ना राती तू पता कि जाना यार तू नहीं आना, मैनू पता है जो तुरना है तू नहीं आना, अब वेख लिया हूं तो अपने काम आप तू लेट हो गया। अब वेख आओ मैं कितने बैठा, आओ वे दाऊद के घर के बहर हाँ, वो बलेदर कम नहीं जुड़े ने फुल। तो मेरे इंतजार इंतजूर करने के बाद फाइनली फिर तकरीबन 15-20 मिनट के बाद राणा साहब हाजिर हो गए, राणा नुमान अफजल साहब, और उसको छोड़ने के लिए बड़े राणा साहब आए थे। तो मिलने मुलने के बाद फिर हम इंटरचेंज के पास पहुंचे और सब गाड़ियों का उधर इंतज़ार करने लग गए थे, तो खैर थोड़ी देर में ही गाड़ियाँ आ गई, फिर हमने चढ़ के इंटरचेंज अंदर एंटर हुई है, तो बस VIP प्रोटोकॉल और कैमरा मैन ही सारे आगे आगे घूम रहे तुम्हारे, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने हमारा स्वागत किया था, फूल छूल और हार शार बड़े पहनाए थे, तो मैंने एक उतार दिया था, पहले पहनाया था हार, इधर आके फिर एक और हार पहना दिया था, तो फिर वो उतार रहा था मैं, और होटल भी काफ़ी प्यारा था और काफ़ी लोग आए हुए थे, और सबसे मज़े की बात खाना भी इनका अच्छा था, और खैर ये हम तीनों चारों हैं शोखी मार रहे हैं, तो ये इधर एक दूसरे को जुगते मार रहे हैं, तो एक कम खा ये कर वो कर, और ये वॉइस मैंने नहीं लगाई क्योंकि पीछे गाने चल रहे थे, कॉपीराइट का मसला इस वजह से। तो यार अभी मैंने ना सबको घर छोड़ा है और अभी भी मैं रास्ते में जा रहा हूँ, और अभी मैंने घर नहीं जाना, मैंने सीधा गांव जाना है क्योंकि फैमिली उधर है और उनको उधर से लेके आना है फैसलाबाद, तो अभी मैं सीधा उधर जा रहा हूँ। खैर